गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज एक शोल्डर वर्कआउट वीडियो करने वाले हैं बिगनर सीरीज की, जो कि भैया के साथ ही करेंगे दोबारा से, और जिसमें हम पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले शोल्डर रोटेटर करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो शोल्डर है उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो हो जाएगा। भैया करके दिखाओ, ऐसे करनी है, अपने हाथ को 90 डिग्री पर रखना है एंड देन आपको रोटेट करना है इसमें, ठीक है? चलो करो, बहुत बढ़िया, दोनों हाथ से करनी है, इसके करीब लेना तीन सेट, और उसके बाद में करेंगे लेटरल रेज, इसके भी वार्म अप में ही लेंगे लेटरल रेज को। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं बारबेल प्रेस, जिसके करेंगे तीन सेट 15-12-10 के। आओ भैया, जिसमें क्या करना है, आपने जो ग्रिप लेनी है, कई लोग परेशान रहते हैं इसमें ग्रिप कैसे लें, तो मेरा जो फंडा है मैं वो बताता हूँ। अपने हाथ को नॉर्मल ऐसे रखें और बाहर की तरफ खोलते हैं, जो ग्रिप निकल के आ रही है उसे पकड़ लें, सबसे बेस्ट ग्रिप रहेगी शोल्डर प्रेस के लिए। तो ये करेंगे हम बैठ के, क्योंकि खड़े होकर जब करते हैं तो आप पैरों से सपोर्ट ले लेते हैं, जिससे कि शोल्डर पर पूरा टेंशन नहीं आ पाता। ऐसे करना है आपने, हाथों को अंदर की तरफ घुमा के लाना है, पूरा ऊपर पूरा नीचे, फुल रेंज ऑफ मोशन में करनी है। इसके करेंगे तीन सेट 15-12-10 रैप के। बस वाले हैं शोल्डर प्रेस बिहाइंड द नेक। चलो भैया, इसमें थोड़ी ग्रिप जो है वाइड ले ली है, जिससे कि हाथों को चलने में दिक्कत ना हो, आसानी से हाथ चल सके। चलो, बहुत अच्छे, ये इसी फॉर्म में करना है, ये फुल रेंज ऑफ मोशन में हो रहा है, ठीक है? इसी फॉर्म में आपने लेना है, इसके भी तीन सेट लेंगे 15-12-10 रैप के। बहुत अच्छे, इसमें स्लो नीचे लेके आनी है और फास्ट ऊपर लेके जानी है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे हम डंबल शोल्डर प्रेस। चलो, तो अब एक हम करने वाले हैं शोल्डर प्रेस डंबल के साथ में, जिसके तीन सेट और 15-12-10 के करेंगे। इसमें आपने हैवी नहीं जाना है, क्योंकि आप बिगनर हैं तो फॉर्म पे ज्यादा ध्यान रखना है। इसको क्या करना है, हल्का सा यहाँ से बेंड करनी है ऊपर की तरफ में और 90 डिग्री पे लेके आनी है। चलो, बहुत अच्छे, स्लो नीचे फास्ट ऊपर, ये 15-12-10 के तीन सेट लगाने हैं इसमें, और आपको पंप अपने आप पता चलने लग जाएगा कि हाँ, हमारे शोल्डर पर कुछ काम चल रहा है। ईगो लिफ्टिंग करनी नहीं है, चोट लग जाएगी। बहुत अच्छे, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं आर्नोल्ड प्रेस। भैया डंबल स्टैंड में लगाएंगे, पर ऐसे उठा के ले जाने, ऐसे रखना है इनको किसी आर्नोल्ड प्रेस बिगिनर्स के लिए। चलो भैया आ जाओ, इसमें फॉर्म का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना है आपने। चलो, ये आपने ऐसे रोटेट करने के लाने हैं, ये नहीं करना है कि हाथ नीचे आ गए देन रोटेट करें, वो चीज नहीं, वो गलत फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म यही है। इसके तीन सेट लेने हैं 15-12-10 रैप के। बहुत अच्छे, लगाओ 10 रैप लगाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कई मेरे भाई है तो कर नहीं पाते इस एक्सरसाइज को, उसमें पुनः क्या करना है, ऐसे करो भी हाथ आगे तरफ, हाँ ये ऐसे लेके फिर ये घुमा लेंगे ऊपर की तरफ। चलो सिंपल, ये इसमें ध्यान रखना है कि जो आपकी ये वाला पार्ट है ये ऐसे जाना चाहिए, जो वेट है वो आपके यहाँ से उठना है, ना कि हाथ से, ठीक है? ये उठना है वेट आपका। चलो बढ़िया, तीन सेट 15-12-10 रैप का। बहुत अच्छे लगा, बहुत बढ़िया। अब अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, आ जाओ। तो अब करने वाले हम फ्रंट रेज, ये जो एक्सरसाइज है आपके फ्रंट डेल्ट के लिए, और इसमें कई लोग क्या करते हैं, ये अपने ट्रैप्स को बाहर निकालते हैं, वो चीज नहीं करनी है, ये एक्सरसाइज के लिए है ही नहीं, ये फ्रंट डेल्ट के लिए एक्सरसाइज है, वैसे करनी है आपने। चलो, ये सिंपल, बहुत अच्छे, ये एक्चुअल तरीका यही है ऐसे करने का, ट्रैप्स को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, फालतू में खींच जाएगा,
क्योंकि बिगनर हो और शुरू में ये दिक्कत आई, बाद में बहुत परेशान करने लगा दिया मुझे। बहुत अच्छे लगा, तीन सेट लगाएंगे 15-12-10 रेप के, बहुत अच्छे लगाओ, बढ़िया चलो, बहुत अच्छे चलो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, सो अब करने जा रहे हैं सरक्स, जो कि आपके ट्रैप्स के लिए होने वाली है एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपकी जो गर्दन है उसको हल्का सा झुका के रखें और शोल्डर्स को पूरा पीछे डालते हैं, तैर आपने उठानी है, बढ़िया ये बहुत अच्छे, पूरा मसल फील करनी है, स्क्वीज पे मेजर ध्यान रखना है, बहुत अच्छा चलो, बहुत बढ़िया शाबाश। इसके लगाने तीन सेट और जितने रैप भी निकले फेलियर जाना है इसमें, बहुत बढ़िया। लास्ट में हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो होने वाली है पुशअप्स, जो कि शोल्डर के लिए रहेंगे, चेस्ट के लिए पुशअप्स की जो फॉर्म है वो अलग रहती है, शोल्डर के लिए अलग रहती है, जिसमें आपने क्या करना है, आपका जो हिप्स वाला ग्लूट्स वाला एरिया है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है, ये पुशअप्स लगाने आपने, चलो यहीं से नीचे जाना, ये पुशअप्स जो है शोल्डर के लिए होती है वो, अगर आपने इजी लग रही है ये तो आप जो है अपने पैरों को किसी बेंच पर रख लें फिर आपके लिए ठीक आ जाएगी, नीचे एकदम जाओ यहाँ से, ये पीछे पैर वाले जैसे किसी को भी ये इजी लग रही है तो उसके लिए कौन सी है ये, तो अपने पैरों को ऊपर रखें उस पर, उसको इजी लग रही है उसको ऐसे करनी है ये जो है एक्सरसाइज, पैरों को रखना है अपने ऊपर और पीछे थोड़ा सा, बस ये यहाँ से ये चलो नीचे, बहुत अच्छे पूरा नीचे जाना है और पूरा ऊपर, ये शोल्डर के लिए आपको इसमें फेलियर जाना है, तीन सेट लेने हैं जितने भी रैप लेंगे इसमें, बहुत बढ़िया लगाओ पूरा नीचे पूरा ऊपर, बहुत अच्छे शाबाश बढ़िया। तो इसी के साथ शोल्डर वर्कआउट को एंड करते हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। वाह वाह, और रोज मेहनत कर चुके हो तू आया, हां चलो।